मात्र कदाचित प्रदीप सम्राट प्रदीप जी विचार हा निर्णय कदाचित त्यांच्या कॅप्टनने घेतला असेल। बिल्कुल संडे, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि टॉस जीतने के बाद यहाँ पे क्षेत्ररक्षण क्यों लिया है जय बालाजी के कैप्टन ने रबाले के। अब ये आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। तो आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण काशीनाथ गपाट ट्रॉफी 2024 का ये फाइनल की शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है, जिसके प्रमुख आयोजक है डॉक्टर धनोज लक्ष्मण गपाट सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एप्पल हॉस्पिटल के। और प्रारंभ करते हुए आफरीदी ये गेंद हवा में खड़ी हुई है और पहले ही गेंद के ऊपर ये यहाँ पे विकेट प्राप्त किए निखिल को उन्होंने डगआउट की राह दिखाई है। संडी पहले ही गेंद थी यहाँ पे लॉफ कर दिया था निखिल ने, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए, गेंद हवा में गई और आउट हो गए। आणि या वेगाच्या अगेन्स्ट तुम्ही लॉब करण्याचा, परंतु कुठे एक सिंगल पहिल्यांदा तो टप्पा न पकता पहिल्या चेंडूपासून हा खेळ मात्र निश्चित मात्र चुकीच्या दिशेने कदाचित जात असावा, कारण पहिला चेंडू एकदम रॅपिड अपसाइड ऑप्शन आणि ते लॉब करण्याचा जो निर्णय घेतला तो कदाचित मात्र चुकीचा ठरला मी म्हणेन। निखिल दा इज बॅक इन द पवेलियन। सन्माननीय रबाले पोलीस स्टेशनचे दीपक जी खरात साहेब येथे विराजमान आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान सन्माननीय कोळी सर यांच्या वतीने येथे करण्यात येतोय। मायेची शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना इथे प्रदान करण्यात येईल। राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणेचे ते माजी महापौर आहेत शरदजी कोळी साहेब। मनोजी गपाट यांच्याकडून हा सन्मान इथे साहेबांचा केला जातो। साहेब फार फार धन्यवाद, आपल्यावरती जबाबदारी फार मोठी आहे आमच्या सुरक्षिततेची आणि त्याच्यातून पण वेळ काढून तुम्ही इथे उपस्थित राहिलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल फार फार धन्यवाद साहेब। ना वार देखते है ना परिवार देखते है संडी ये पुलिस वाले, इसीलिए हम लोग आज अगर सुरक्षित है हमारे महाराष्ट्र में तो इसका सारा श्रेय मैं हमारे खाकी वर्दी वालों को देना चाहूंगा। चाचू 26/11 का हमारे मुल्क के ऊपर का हमला, अगर पहली गोली किसी ने अपने सीने में ली होगी तो वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जाबाज सिपाही थे। तो इस तरीके से ये लगातार दो गेंदों पे दो सफल पहले यानी कि पहली ओवर में दो सफलता प्राप्त किए गेंदबाज आफरीदी ने। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी, बिल्कुल आग के गोले बरपा रहे हैं यहाँ पे आफरीदी। वेगा बरोबर तो सटीक लाइन लेन तो विसरत नाही, जो वेगा न टाकतो बरोबर म्हणजे पिचिंग एकाच ठिकाणी टाकता वेगळ्या ठिकाणी म्हणजे याने काय होतं प्रदीप, एकच बॅट्समन आहे तो एका टप्प्यावर विसरून नव्हता त्याला वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये खेळण्यास मजबूर करतो आणि तिथेच मात्र विकेट घेण्याचा कारनामा आफ्रिदी खान सुपर बॉलिंग। संडी जिस तरीके से हमने बात छेड़ी चाचू को, हम लोग बता रहे थे कि आजकल 50-50 लाख की प्रतियोगिता खेली जाती है ओपन में, तो ये जो आफरीदी है इनके ऊपर हमारे नवी मुंबई के जो पैकर्स है इनकी पहली नजर रहेगी निश्चित रूप से। ये बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में ओपन में खेलते हुए हम सभी को नजर आएंगे सैंडी आफरीदी। यस नक्की सर, भावेश नाईक स्वराज म्हात्रे असे कित्येक यंगस्टर आहे त्याने मात्र व्यावसायिक क्रिकेट खेळताना ज्याप्रमाणे नवीन मध्ये क्रिकेट त्याने प्रत्येकाने पाहिलं आणि त्याला उचलून देताना पॅकर्स म्हणून मोठ्या टीम मध्ये आता खेळताना दिसतात। ये गेंद इस बार कवर ड्राइव किया है, वाइडिश मिड ऑफ से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। बल्लेबाज आए अशोक, अक्षय मडवी आए, एक रन उन्होंने अर्जित किया है, कुल स्कोर है 2 रन। आफरीदी दाने हाथ से ओवर द विकेट, तेज तर्रार इस बार इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास किया था। देखिए कितने यहाँ पे चुस्त और तंदुरुस्त है यहाँ पे आफरीदी, बिल्कुल ज्यादा कुछ उनकी शरीर रष्टि है नहीं सैंडी और बिल्कुल हल्के फुल्के, मेरे ख्याल से लगभग 45 से 50 का उनका जो वजन है वो होगा,
और बिल्कुल छोटे उम्र के ये खिलाड़ी है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। ओमकार नाइक जो कि मैग्निफिशेंट नवी मुंबई के जो पैकर्स है, इनकी पहली नजर इनके ऊपर जरूर रहेगी। सैंडी अफरीदी धन्यवाद से ओवर द विकेट, हर्ष के लिए। देखिए ये वाइड गेंद थी, इस बार दिशा से भटके, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 3 रन, गंसोली 11, गंसोली का सैंडी। जेवढे कौतुक करावे, जेवढी स्तुती करावी या बॉलरची तेवढी कमी असेल। काय आज बॉलिंग अक्षरशः आजचे फव्वारे गोळे फेकतो असं वाटायला सुरुवात केली। पहिला स्वर आणि तो सुसाट, कोणत्याही धामांचे मोठे फटके मारण्याचे सर्व दरवाजे बंद केले प्रदीप आफ्रिदी खानने। और इस बार ये गेंद हवा में खड़ी रही है, मिड ऑफ के क्षेत्रक्षक नीचे, और ये विकेट का पतन हुआ है। यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ, दूसरा झटका पहुंचा है, तीसरा झटका पहुंचा है गंसोली 11, गंसोली टीम को। हर्ष मात्रे आउट होकर वापिस जा रहे, गोल्डन डक का वे शिकार यहाँ पे हुए। एक ओवर गेंदबाजी की है यहाँ पे अफरीदी ने, जिसमें उन्होंने 3 रन खर्च किए और तीन सफलता उन्होंने प्राप्त की है। क्या बॉलिंग एनालिसिस है सैंडी, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग एनालिसिस रहा है यहाँ पे अफरीदी का। क्या बोलना चाहोगे सैंडी? सुपर, सर्वश्रेष्ठ फॉर्म मध्ये मी म्हणेन। कारकिर्दीला जो वेग असतो, जो टप्पा असतो, जो व्हेरिएशन आणि स्लाइटली इनस्विंगर, ही त्याची जमीन जोडी। सुपर बॉलिंग यार, अक्षर अडचणी निर्माण कर पहिल्याच ओवर मध्ये। और सुजीत सुतार चाचू मन ही मन में सोचते होंगे कि हमारे जमाने का क्रिकेट क्या था और आज के जमाने का क्रिकेट देखिए कितना बदला बदला सा है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए गौरव, और ये गेंद देखिए घोषित क्षेत्र में गई, बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं 1 रन का। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है गंसोली 11, गंसोली का 4 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है 3। गौरव धावा येणं खूप गरजेचं आहे प्रदीप, त्या मॅच फायनल जे हवेश असते तमाम प्रेक्षकांनी, जे हवे आमच्या चाचूंना, तर ते फायनल जशी पाहिजे तर धावा मात्र करणं खूप गरजेचं आहे। गंसोली आणि गंसोली, यस धावा करणं गरजेचं आहे, जसा आवाज पडला तसं, यस इट इज अ बरोबर, दॅट इज अ सुपर शॉट बाय अक्षय जगदीश मडवी आणि यांच्या वडिलांबरोबर आमचे चाचू अगेन्स्ट द बॉलर अगेन्स्ट द बॅट्समन क्रिकेट खेळले चाचू, काय दरार होता त्यांच्या वडिलांना समक्ष पाहिलं आमच्या चाचूने, दॅट इज अ व्हेरी तुपखाना गोलंदाज। बिल्कुल चाची चाचू, उस जमाने में अगर देखा जाए तो जगदीश मंडवी जैसा कोई भी तेज गेंदबाज नहीं था हमारे नवी मुंबई में। क्या गति के साथ गेंदबाजी करते थे, बिल्कुल दिन में उनकी गेंदें दिखाई नहीं देती थी। चाचू ने भी उनके अगेंस्ट क्रिकेट खेला, अच्छी बात आपने छेड़ी है सैंडी। जिनके ये सुपुत्र है चाचू जो यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अक्षय जगदीश मंडवी गंसोली गाँव के, ये हमारे भूमिपुत्र सुपुत्र है। कुल स्कोर है 10 रन, किसी तरीके से 15-16 रन तो मुकम्मल करने ही होंगे सैंडी। गौरव इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, मिड ऑफ रिजर्व में गेंद को खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, डेंजर जोन पे दौड़ा है, लेकिन अगर रन लेना है तो जोखिम तो उठाना ही होगा और 2 रन अर्जित किए। इस तरीके से 2 रनों के साथ गंसोली 11, गंसोली का कुल स्कोर है 12 रन, और अभी भी इस ओवर की 3 गेंदे अनिशेष है। संडी अक्षय बहुत ही उमदा क्रिकेट खेल रहे, सुपर बैटिंग है, परफेक्टली मिडल ऑफ द बैट, इज अ गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज। सुपर बॉलिंग लाइन मिस, सर राशन द वन टू द बिग हिट टू द ऑन साइड, सर राशन मध्ये जो ऑफ ड्राइव केला त्या दिशेने का मारला नाही, कारण टप्पा बनला, टप्पा बनला पिचिंग एवढं होतं का, खेळपट्टी एवढी टणक आहे प्रदीप का, टप्पा बनला तर जो स्पीड आहे तो डबल क्रिएट करतो। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जिस तरीके से गेंद बाउंस होती है उसी तरीके की विकेट यहाँ पे बनाई हुई है, काफी बाउंस है इस विकेट में। गौरव इस ओवर की अगली गेंद अक्षय जगदीश मडवी जी के लिए गेंदबाजी कर रहे, डेथ बॉल की घोषणा कर रहे यहाँ पे एम्पायर सर बंटी कामली जी, बहुत ही उमदा एम्पायरिंग की है दोनों भी एम्पायरों ने खास करके। इस बार इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है और गेंद बाउंस होके चली गई बाउंड लाइन के पार, और ये 4 रन, खूबसूरत स्ट्रोक सजाया था यहाँ पे बल्लेबाज अक्षय जगदीश मडवी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशा का किरण है ये गंसोली 11, गंसोली टीम का, और ये उम्मीद की किरण है सैंडी, आने वाले भविष्य का ये सितारा है गंसोली टीम का सैंडी।
नक्की जे वडिलांनी कमवले त्याचा कमीत कमी अर्ध कमवलं ना तरी पब्लिक आपल्याला डोक्यावर घेईल एवढं मात्र नक्कीच. कुल स्कोर है घनसोली 11 घनसोली का 16 रन. गौरव गेंदबाजी कर रहे अक्षय के लिए. इस बार गेंद को अफरीदी की तरफ खेला था लॉन्ग ऑन रीजन में. अफरीदी ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहाँ पे आउट हो गया अक्षय. लेकिन अपना काम वे करके जा रहे हैं. यहाँ पे आउट होने से पहले देखिए उन्होंने रन यहाँ पे मुकम्मल किए. एक छक्का और एक चौका जड़ा उन्होंने अपने इस छोटी सी पारी में और 14 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट होके वे वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में. घनसोली 11 घनसोली का कुल स्कोर है 16 रन जबकि 17 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा है जीतने के लिए. जय बालाजी क्रिकेट टीम रबाले के सामने घनसोली 11 घनसोली की टीम ने 17 रनों का ब्रुकलिन BFF इस टीम की तरफ से 24 खिलाड़ियों को डाइट फूड यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा. सैंडी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ब्रुकलिन फूड फैक्ट्री की तरफ से BFF तरफ 24 खिलाड़ियों को डाइट फूड मेल इनको प्रदान किया जाएगा ये मैच खत्म होने के बाद. यानी कि दोनों भी टीम को ये फाइनल में पहुंचे हुए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. साढ़े 8 रनों के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करना है अगर यहाँ पे जीतना है जय बालाजी क्रिकेट टीम रबाले को. सुजीत सुतार चाचू यहाँ पे विराजमान है. मैच का लुत्फ यहाँ पे उठा रहे अपने पुराने क्रिकेट के दिनों को. आदरणीय चाचू जब जब भी आते हैं क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए सैंडी निश्चित रूप से याद करते हैं अपने पुराने क्रिकेट को अपने गांव के क्रिकेट को. हम तभी नवी मुंबई नहीं थी चाचू उस समय बेलापुर पट्टी थी और क्या क्रिकेट होता था हमारे बेलापुर पट्टी में. आज नवी मुंबई है. बिल्कुल गिने चुने खिलाड़ी थे जिस तरीके से सुजीत सुतार चाचू रविकांत मात्रे गाउटी विजा जगदीश मात्रे ये गिने चुने खिलाड़ी थे जो गेंद को सिक्सर के लिए तान देते थे. पपलिया देखिए आज भी याद है वो सब पुरानी चीजें क्रिकेट की. सुजीत सुतार हमारे चाचू को हमारे नव मुंबई की दिल की धड़कन है हमारे चाचू सुजीत जी सुतार सर. शिरीष कोहली आपने जो कैच पकड़ा था इसलिए आपको महेश पाटिल जी की तरफ से पटेल जी की तरफ से 500 रुपए का नकद इनाम यहां पे प्रदान किया जाएगा. आइए मंच के ऊपर जय बालाजी के खिलाड़ी आइए. 500 रुपए का इनाम है अगर नहीं आए तो मैं रख लूंगा मेरे जेब में. या लवकर बाबा शिरीष कोहली प्लीज जर आवाज ऐकत असेल तर या 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे तुम्हाला प्रदान केलंय महेश पटेल सर यांनी. तुषार बर्गे अरे विवेक नाईक आहे स्ट्राईक में. महेश भाई अरे नमस्कार. विवेक नाईक ने अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर मारे तो उनको 3000 रुपए का पारितोषिक अजय गाड़े जी की तरफ से प्रदान किया जाएगा. और अफरीदी को भी पहली गेंद बिंदी गेंद थी सैंडी मिड ऑफ रिजर्व में गेंद गई है. ये जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार बर्गे ये कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है. लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक बखूबी करते हैं ये तुषार बर्गे. और इस बार देखिए विकेट कीपर अपने बाएं तरफ दौड़े थे वाइट प्लस वन. बंटी सर इशारा कर रहे बीमर देखने के लिए. शिरीष को समझा रहे
डीआरएस घेतला बीमार साठी या थोडं बघा गणेश कारंडे पाहता है तिथे आपला टीवी स्क्रीन मध्ये मग चाचू असं आपण समजूया की आताचं रॅशन वाईड आहे सर वाईड ओके थँक्यू सर वाईस प्लस वन हॅलो कुल स्कोर आहे दो रन तुषार बर्गे गेंदबाजी कर रहे हैं उनके सामने इस मरतबा अफरीदी दानिया से ओवर द विकेट अफरीदी के लिए ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया था अफरीदी ने गेंद देखिए किस तरीके से टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर कांटा बदलते हुए आउटस्विंग होती हुई है गेंद थोड़ी सी तेज गति की गेंद फेंकी थी यहाँ पे तुषार इस बार इस गेंद को पुल मारा है गेंद जा रही है वाइड डिश मिड विकेट रीजन में और आउट हो गया अफरीदी पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे जय बालाजी रबाले टीम को सैंडी क्या लग रहा है देखिए वही गलती जो हर खिलाड़ी करता है Yes. ताबड़तोब बल्लेबाजी करना 100% खरा है कारण ना ये वातावरण मैं पहले पास मंडले एक दोन दोन तीन चार पांच नंतर जो वातावरण बदल होते तो मात्र पोषक नसतो बैटर साठी फाइंड द गैप गेटिंग द वन एंड टू 17 धावा से प्रत्येक दोन फटक्यांचा गेम तुम्ही निश्चित म्हणू शकता पण त्यासाठी ये हवे मध्ये ते मिस टाइमिंग स्ट्रोक विकेट मात्र जाणार विकेट गेला तर प्रेशर क्रिएट बिल्कुल जैसे जैसे विकेट जाएगी वैसे वैसे स्पेशल जो है ये बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ चला जाएगा बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे छेड़ी है संतोष मात्रे सैंडी हमारे मुंबई क्रिकेट के महागुरु इस उपाधि से जिन्हें 2023 में नवाजा था NMPL ने आकाश लाखन आए नए बल्लेबाज चाचू अपने जमाने में उलाखन भी थे बाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे और उनकी उंगलियां नहीं थी हाथों की क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते थे सीबीडी बेलापुर से होते वाटते थे तो एक रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर है 3 रन 4 गेंदे यहां पे फेंकी जा चुकी है इस बार ये तेज गति की गेंद थी और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है और ये 6 रन लगातार दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ ये मुकाबला क्या जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पे सजाया बल्लेबाज विवेक ने 7 गेंदे और 8 रन चाहिए सैंडी क्या लग रहा है 7 गेंदे 8 रन यस हा बॉल निर्भय करील हा चेंडू जर निश्चित डॉट काढला तर येणाऱ्या बॉलर वरती ती मात्र 7 धावा डिपेंड करण्याची क्षमता निश्चित आहे मॅच रंगेल हा बॉल जर डॉट येतो तर डेफिनेटली डॉट केल्यानंतर चिक्की अँड रिस्की सिंगल टच अँड गो सुपर बनिंग बिटवीन द गेट सिंगल आले आता 6 चेंडूचा खेळ आणि 6 मध्ये आता ही फायनल जिंकण्यासाठी किती 6 चेंडू 6 मॅच ऑन आहे प्रदीप वातावरणाचा विचार 1-2 रन कारण जी पीच आहे खेळपट्टी क्रिएटिन बनले ती मात्र गोलंदाजच्या पक्षात मध्ये प्रेमात पडले कारण टप्पा पडल्यानंतर तो वेग आहे ना वेग खूप मोठा धारण करतोय फक्त अचूक तर आहे ज्यापर्यंत बॅकलिप थोडस माझं विविधतेने चेंडू लागला तर अडचणी निर्माण करू शकतो बॉलर डेफिनेट 6 चेंडू आणि 6 बिल्कुल संडे जिस तरीके से आपने बात छेड़ी हमारे नवी मुंबई में अगर देखा जाए तो खाड़ी इलाका है हमारा और जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती है वैसे वैसे गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आती नहीं है और उसका खामियाजा बल्लेबाजों को भुगतना पड़ता है 6 गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए 7 रन 6 गेंदे 7 रन कंपलसरी रन चेसिंग ये इस प्रतियोगिता का नियम है 6 गेंदे 7 रन और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहाँ पे तलब किया जा रहा है विनीत पाटिल एक बहुत ही उमदा गेंदबाज है ये विनीत पाटिल और ये आउट वाइडिश मिड विकेट रीजन में गेंद को हवा में खेला और यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज विवेक जो कि एक सिक्सर
तानने के बाद यहाँ पे आउट होकर वापिस जा रहे हैं पहले की तरफ। सैंडी ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं जिनका नाम है विनित पाटिल, जो कि दो बार उनको इस प्रतियोगिता में अब तक मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से आज सुबह से नवाजा गया है। पांच गेंदे सात रन, पांच चेंडू आणि सात धावांची गरज, क्या जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला। हर्ष मात्रे जिन्होंने अब तक दो कैच लपके, प्रदीप आणि एक डायरेक्टली हिट जो रनआउट होता तो मिडाच्या ठिकाणी डायरेक्ट ती अचूक फेक होती, त्यामध्ये मात्र त्याचा दोन कॅच आणि एक अचूक फेक, निश्चित जो फिल्डिंगचा दर्जा यामध्ये निश्चित वाढवताना हर्ष मात्र पाहायला मिळाला। इसीलिए इस प्रतियोगिता में देखिए इनामी जो राशि है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रदान किया जाएगा। आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक धनोज लक्ष्मण गपाट सर की तरफ से 5-5 लाख रुपए का, बहुत बड़ी बात है। सैंडी इस बार गेंद आने का इंतजार किया, स्लिप बल्ला अड़ाया, गेंद स्क्वेयर लेग रीजन में गई, एक रन दौड़ के अर्जित किया है। अब आलम यह है गेंदे बची है चार गेंदे और छह रन, चार गेंदे छह रन, धड़कने बढ़ा थोड़ा मैच कंपल्सरी चेस टारगेट चा, हाँ टारगेट चेस करावता हा नियम है कंपल्सरी चेसिंग, त्यासाठी चार चेंडू आणि सहा, एखादरी डॉट आला ना तर मजा येईल मॅचला, तर एखादा मोठा फटका मॅच फिनिश, व्हॉट अ मॅच व्हॉट अ फायनल, राईट अम ओव्हर द विकेट अवे फ्रॉम द बॉडी ओव्हर द पॉइंट ऑन पॉइंट कवा सुपर स्ट्रोक स्वतरक्षणी फील केले, एक धाव पूर्ण की जो फेकेल तोपर्यंत दोन धावा अर्जित, सुपर याला म्हणतात अकलमंद क्रिकेट। मिडी विकेटच्या ठिकाणी जोरदार फटके मारा तो थोडासा मात्र अंदाज फटका फसला तो विकेट, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वेड एंड एंड गेटिंग टू सुपर प्लेयर। बिल्कुल सैंडी गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और देखिए पहले देखा कि गेंद टिप्पा कहाँ पे खा रही है और उसके बाद गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में चाटा सा मार दिया था, हवा में निश्चित रूप से गेंद थी लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गेंद चली गई थी दायरे के बाहर, दो रनों का इजाफा हुआ है, तीन गेंदे और जीतने के लिए चाहिए चार रन, तीन गेंदे और जय बालाजी रबाले टीम को जीतने के लिए चाहिए चार रन। ये गेंद इस बार वाइड गेंद, देखिए किस तरीके से तालियां यहां पे बजती हुई नजर आ रही है सैंडी। यस आता थोड़ा सा मात्र श्वास सोडला असेल, अतिरिक्त धाव बॉल तेज तीन मध्ये तीन, ये चुकी झाली मी म्हणेन, अति वेगामध्ये वेग धारण करण्याचा प्रयत्न, टिचून गोलंदाजी करणं खूप महत्वाचं आहे, कारण लाईट आहे ना, लाईट ती प्रॉपर बॅटिंगसाठी अनुकूल नाही, त्यासाठी जर टप्पा तुम्ही अनुकूल परफेक्ट सटीक नाही निवडला तर चेंडू मात्र थोडासा या प्रकाशाचा फायदा उठवला जाऊ शकतो गोलंदाज। बिलकुल सँडी प्रेक्षकांना विनंती आहे थोडासा पाठिवा प्लीज पाठिवा, इस बार कलाई को इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया गेंद को, मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, एक रन लिया है, दूसरा रन जोखिम भरा साबित हो सकता है और देखिए गेंद टिप्पा खाने के बाद कुंदन पारकर के हाथ में गई थी, अगर नॉर्थन की तरफ फेंकते थे तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन अब चाहिए दो गेंदे और एक रन। सैंडी प्रदीप डाउन स्ट्राइक ला निश्चित फेकला असता ती विकेट, कारण खूप दूर होता, जेव्हा पळत होता बॅट्समन तेव्हा चार पाच पावलं मागे होता, पण का पण एक एक धाव महत्वाचा आहे, विकेट कडे पाहू नका, कारण चेंडू जर पडला कोणी नवीन फलंदाज आला तरी मात्र बीट करण्याची शक्यता, परत ज्याकडे फेकला आहे कारण जास्त धावा असतात आपण समजू शकलो असतो का हा फलंदाज आपल्यासाठी आहे, धावा कमी आणि धावा कमी असता कोणताही बॅट्समन बाद होणं गरजेचं होतं, धाव वाचली असती। सैंडी अगर आज यहाँ पे फायनल का मुकाबला जीत जाती है जय जी रबाले की टीम तो ये पहला टाइटल होगा उनके जीवन का, कितनी बड़ी खुशी की बात होगी सैंडी। वैसे देखा जाए तो घनसोली 11 घनसोली ने कई सारे मुकाबले जीते हैं अपने क्रिकेट खेल में। गेंदे बची है दो और रन चाहिए एक, दो गेंदे और एक रन, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विनित पाटिल और उनके सामने बल्लेबाज आकाश लाखन, पांच के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है आकाश लाखन ने। ये चले गेंदबाज, उनकी गेंद बैक टू बॉलर और देखिए ये जल्लोश हो रहा है मैदान के बीच में, क्या जबरदस्त जीत प्राप्त की है जय बालाजी। जय बालाजी क्रिकेट टीम रबाले की टीम यहाँ पे जीती है स्वर्गीय
लक्ष्मण काशीनाथ गपाट ट्रॉफी 2024 के ऊपर अपना नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा है, क्या खुशी के पल है। देखिए डीजे थोड़ा वाजवा आता गाना त्यांना नाचू दे। प्रदीप 1983 साली पहिला भारतीय वर्ल्ड कप जिंकला त्याची खुशी जशी अलग होती तीच खुशी, कारण तो पहिला टायटल म्हणजे कोणते पहिले धाव पहिला षटकार असो का जीवनातला पहिले एखादा उत्कृष्ट बॅटर असो तो आनंद मात्र जीवनामधला एक मोठा आनंद तो गगनात मात्र मावत नाही, तसं गगनात न मावणार आनंद शेअर करताना व्हाट अ चॅम्पियन सारखा खेळला, युनिटीने खेळला, प्रत्येकाने योगदान दिलं म्हणून तर हा टायटल मात्र सन्मानाने घेऊन जाताना जय बालाजी रबाले, कॉंग्रॅच्युलेशन जय बालाजी रबाले। खतरनाक होता।